देखिए अर्थ त्रिकोणों में हमारा तीन पोस्चर्स मिल गए, एक है राइडिंग, दूसरा है वॉकिंग, तीसरा है क्रॉलिंग। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो चतुष्वर्ग, उसका मीनिंग क्या है। अगर कोई कभी एक पूजा में इन्वॉल्व हुए होंगे तो उनको पता होगा, ड्यूरिंग द संकल्प, जो संकल्प करते हैं पूजा से पहले, वहां पर एक वाक्य यूज करते हैं, जो दिस पर्सन हु इज फ्रॉम दिस लिनेज, ये लिनेज का ये बंदा है, फॉर गेटिंग फोर बर्गास इन इज लाइफ, चतुष्वर्ग फल प्राप्तार्थे ही इज डूइंग दिस पूजा। तो वहां पर जो चतुष्वर्ग हम यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको किस तरह से देख सकते हैं, वो वाला चीज आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक चीज को कवर करेंगे आज का वीडियो में, वो है आप देखे होंगे जे बहुत सारा डीटीज हैं एंड दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स। उसका मतलब क्या है ना, आप देखोगे कोई डीटी खड़ा है, डीटी खड़े हैं तो उनका मीनिंग क्या है, कोई बैठे हैं तो उनका मीनिंग क्या है, कोई अगर सोए हुए हैं जैसे कि पद्मनाभ स्वामी जो सोए हुए हैं, नारायण, आप महानारायण का अगर फोटो देखेंगे वो लेटे हुए हैं, उनका मीनिंग क्या है। एंड आप नटराजन स्वामी अगर उनको देखेंगे, देन दैट इज द डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, तो उसका मीनिंग क्या है, एस्ट्रोलॉजी हम उसको किस तरह लिंक करेंगे आज का इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं पहला पार्ट जो है चतुष्वर्ग, चतुष्वर्ग का मीनिंग क्या है। देखिए आप देखोगे हमारा हिंदू कल्चर में दिस हैज बीन टोल्ड दैट देर आर मेन फोर एम्स इन आवर लाइफ, हमारा लाइफ का चार एम है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, फोर्थ वन इज मोक्ष। धर्म क्या है ना, धर्म है जे एज ए पर्सन हम जब पैदा हुए हैं वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टू फॉलो, हम लोगों का कुछ ड्यूटी है एंड दैट इज नथिंग बट अवर धर्म। जैसे कि हमारा इंडिविजुअल का रेस्पॉन्सिबिलिटी है विश्व धर्म, वी नीड टू थिंक फॉर द वर्ल्ड, दैट इज विश्व धर्म। देन आ गया राष्ट्र धर्म, हमारा राष्ट्र के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जाती है राष्ट्र धर्म। देन हमारा जो गांव में है एंड विलेज में है वहां पर भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा घर घर में जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है उनके ऊपर भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑल आवर धर्म। फाइनली इंडिविजुअल धर्म, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, दैट इज इंडिविजुअल धर्म। बट एबोव दैट दिज ऑल धर्म्स आर देयर, तो वी नीड टू नो आवर धर्म। सेकेंड वन इज अर्थ। अर्थ आप देखिए, एक नेटिव अगर पैदा हो गया ही हैज टू सस्टेन, ही नीड फूड टू ईट, ठीक है। तो उसके लिए हम जो करते हैं, जो फूड को पाने के लिए जो हम काम करते हैं जिससे हमको पैसा मिलता है एंड वी आर बाइंग आवर फूड्स एंड लिविंग, दैट इज नथिंग बट आवर अर्थ। नेक्स्ट आ गया काम। काम का आप ये मतलब निकाल सकते हो बाय हुईच वी आर गिविंग वी आर गेटिंग एंटरटेनमेंट, जिससे हम एंटरटेन करते हैं वो वाला पार्ट है काम, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंड फाइनली मोक्ष। मोक्ष क्या है ना, हम जैसे जानते हैं हमारे अंदर एक सोल है, वी आर सोल्स गेटिंग मेटेरियल एक्सपीरियंस, तो वो जो सोल है वो परमात्मा का अंश है, तो हम क्या करने से वी विल बी डिजोल्व इन द परमात्मा, दैट इज मोक्ष, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स ऑफ लाइफ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड आप देखिए एस्ट्रोलॉजिकली आप देखोगे फर्स्ट एंड आपका फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ
ये है धर्म त्रिकोण, विच शोज आवर धर्म। सेकेंड सिक्स एंड टेंथ हाउस इज अर्थ त्रिकोण हाउसेस। थर्ड सेवन एंड इलेवेंथ हाउस इज काम त्रिकोण हाउसेस। फोर एट एंड ट्वेल्थ आर मोक्ष त्रिकोण हाउसेस। तो देखिए ये जो चतुष्वर्ग इज लिंक्ड टू आवर एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट हाउसेस, धर्म अर्थ काम मोक्ष आर लिंक्ड विथ धर्म त्रिकोण हाउसेस, अर्थ त्रिकोण हाउसेस, काम त्रिकोण हाउसेस एंड मुख्य त्रिकोण हाउसेस। आप देखोगे एक नक्षत्र का फोर स्टेप्स है, हम उनको पादावली बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी है धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप देखिए जो फायरी साइंस है, आप जो जोड़ियक में देख रहे हैं फायरी साइन मतलब एरिस लियो एंड सैजिटेरियस, दीज आर धर्म त्रिकोण साइंस है। अर्थ जो आप देखिए जो टॉरस का साइन है, वर्गो का है, कैप्रिकॉन का है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये है अर्थ त्रिकोण हाउसेस। काम काम आप देखिए जेमिनी, देन आपका लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, दीज आर काम त्रिकोण हाउसेस। एंड आप देखिए जो कैंसर का साइन है, स्कॉर्पियो का साइन है, पाइसिस का साइन है, वो है मोक्ष त्रिकोण साइंस। तो आप देखिए फायर फायर साइंस आर धर्म, एर्दी साइंस आर अर्थ, एरी साइंस आर काम एंड फाइनली वाटरी साइंस रिप्रेजेंट्स मोक्ष। एंड अगर आप इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आप हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी को एक एग्जांपल में लेके उसको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, आप देखिए सुबह उठने के बाद हम हमारा जो डे टू डे रूटीन है उसको खत्म करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वी यूजुअली टेकिंग केयर ऑफ आवर पेरेंट्स एंड किड्स, ठीक है, एंड हम जो डे टू डे एक्टिविटी में हमारा जो पूजा होता है उसको खत्म करते हैं, आप समझ रहे हैं। तो हमारा जो सुबह 6 से 10 बजे का टाइम वो चला जाता है डूइंग पूजास, हमारा जो एल्डरली जो पर्सन घर में है उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं उनका तबीयत कैसा है, बच्चों के बारे में पता करते हैं, फिर हम देखते हैं घर के लिए क्या क्या चाहिए वो वाला चीज हम लाके घर में रखते हैं। एंड आप देखिए 10 जब बज जाते हैं या अराउंड 10 o'clock वी आर लिविंग फॉर आवर ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में जाके हम काम करते हैं और ऑफिस जाने का मेन पर्पज यही है टू गेट मनी, एंड वो मनी से हम जो हमारा सस्टेनेंस के लिए चाहिए वो वाला चीज खरीदते हैं। तो आप देखिए सुबह 6 से 10 बजे तक का जो टाइम है वो है धर्म पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देन जो 10 बजे से आप शाम के 4 बजे या 5 बजे वो है अर्थ टाइम पीरियड, वहां पर हम वी आर कमिंग आउट ऑफ आवर हाउसेस एंड गोइंग टू गेट मनी टू लिव, वो है अर्थ पार्ट ऑफ आवर डे। देन आप देखिए 5 बजे हम घर से जब ऑफिस से घर आ जाते हैं, 5 से रात के 8, 9, या 10 बजे तक हम क्या करते हैं, वी यूजुअली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए टीवी वॉचिंग वेरियस एंटरटेनमेंट्स एंटरटेनिंग सीरियल्स, और जो खेल के शौकीन है जिनका दे गो टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल और सम इंडोर गेम्स, और आप बोल सकते हैं वो वाला टाइम है वी आर जनरली विजिट टू आवर फ्रेंड्स हाउस। देखिए दिस ऑल थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज काम फॉर गेटिंग एंटरटेनमेंट टू मेक आज एंटरटेनमेंट, वो वाला काम त्रिकोण एक्टिविटी है। देन फाइनली मोक्ष जब हम सब काम खत्म कर देते हैं, वेन वी आर गोइंग टू आवर बेड, तो हम बेड में बैठ के यही सोचते हैं जे आज दिन भर हम क्या किए, व्हाट आर द गुड थिंग्स वी हैव डन इन टूडे, व्हाट आर द बैड थिंग्स वी हैव डन टूडे।
एंड हम जो हमारा बर्थ हुआ है उसके लिए हम भगवान जी को थैंक यू करते हैं। देखिए हमारा आप अगर डे का शेड्यूल देखोगे तो हमारा हमारा जो मुख्य त्रिकोण का टाइम है बहुत ही कम है, बट हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो वाला टाइम को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। थोड़ा टाइम व्हाई वी हैव टेकन बर्थ वो पर्पज को ढूंढने के लिए भी लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, योर मुख्य त्रिकोण हाउसेस विल गेटिंग एक्टिवेटेड। एंड आप देखिए ये हमारा डे टू डे एक्टिविटी है, एंड ये डे टू डे एक्टिविटी में वी आर कवरिंग द फोर त्रिकोणस ऑफ अवर लाइफ। डे टू डे एक्टिविटी में हम हमारा 12th हाउस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज था हमारा जो चतुष्वर्ग क्या है। अभी देखते हैं जो आप देखोगे बहुत सारा डीटी का जो पोस्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है वो एक्चुअली क्यों है, वो वाला चीज को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू दिस फोर कैटेगरी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो ये चार जो कैटेगरी है, तो आप जितने भी डीटी देखे हैं उनका जो पोस्चर्स, आप जो डिफरेंट पोस्चर में उनको देखें आप उनको ये डिवाइड कर लीजिए। पहला है धर्म, जो फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ जो हाउसेस है हमारा चार्ट के अंदर वो है धर्म त्रिकोण हाउसेस। एंड जो डीटी का पोस्चर स्टैंडिंग फॉर्म में है वो खड़े हैं वो वाला रिप्रेजेंट्स दिस हाउसेस, दे आर लिंक्ड टू दिस हाउसेस। आप देखिए स्टैंडिंग फॉर्म ऑलवेज शोस न्यू बिगिनिंग। आपका जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस या एरीज साइन शोस न्यू बिगिनिंग, तो स्टैंडिंग फॉर्म हमेशा शो करता है न्यू बिगिनिंग को। तो आपका फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस के लिए डीटी का स्टैंडिंग फॉर्म रिप्रेजेंट यूज किया जाते हैं। नेक्स्ट आ गया अर्थ। अर्थ त्रिकोण में आप देखिए हियर द पर्सन इज गोइंग आउट ऑफ द हाउस टू गेट मनी। ठीक है, तो आप यहां पर तीन टाइप के डीटीज देखेंगे, डीटी का पोस्चर देखेंगे। पहला है राइडिंग, आप देखोगे भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, दैट इज ए राइडिंग पोस्चर एंड दैट इज लिंक्ड टू आवर सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस ऑफ रिसोर्स और सस्टेनेंस। देन आ गया सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस आप देखोगे कोई डीटी का अगर वॉकिंग फॉर्म है, वॉकिंग फॉर्म, ठीक है, देन दैट इज लिंक्ड टू आवर सिक्स्थ हाउस। जैसे कि गृह लक्ष्मी जी, आप माँ गृह लक्ष्मी की अगर फोटो देखेंगे दैट इज द वॉकिंग फॉर्म ऑफ माँ लक्ष्मी। देन आ गया टेंथ हाउस। टेंथ हाउस इज द क्रॉलिंग फॉर्म, आप भगवान श्री कृष्णा की जो बच्चे बच्चों का बच्चे रूप में जो फोटो देख रही है दैट इज ऑफ क्रॉलिंग फॉर्म, दैट रिप्रेजेंट्स टेंथ हाउस। देखिए अर्थ त्रिकोणों में हमारा तीन पोस्चर्स मिल गए, एक है राइडिंग, दूसरा है वॉकिंग, तीसरा है क्रॉलिंग। ठीक है, अभी देखते हैं काम त्रिकोण जो हाउसेस हैं। काम त्रिकोण हाउसेस में आप देखोगे थर्ड हाउस सेवेंथ हाउस इलेवेंथ हाउस। तो यहां पर आप देखिए जो डीटी का सिटिंग फॉर्म है, आप जो सिटिंग फॉर्म ऑफ डीटी देखते हैं दैट इज नथिंग बट थर्ड हाउस एंड इलेवेंथ हाउस। सिटिंग फॉर्म जितना डीटी है दैट इज लिंक्ड टू इधर थर्ड हाउस और इलेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस के लिए डीटी का डांसिंग फॉर्म, जैसे कि नटराजन स्वामी उनका जो भगवान शिव जी का जो डांसिंग फॉर्म है दैट इज लिंक्ड टू द सेवेंथ हाउस, नृत्य। ठीक है, अभी जो फाइनल है मोक्ष त्रिकोण हाउसेस में अगर डीटी का पोस्चर उनको लिंक करने की कोशिश करेंगे, देन आप देखिए जो डीटी का स्लीपिंग फॉर्म का जो पोस्चर है दैट इज लिंक्ड टू द मोक्ष त्रिकोण हाउसेस।
दैट इज फोर्थ हाउस, एथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। तो हम यहां पे देख लिए कि जो जो डीटी है उनका स्टैंडिंग फॉर्म में है, देन स्टैंडिंग फॉर्म रिप्रेजेंट्स फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। जो वॉकिंग या क्रॉलिंग या आपका जो वाहन के ऊपर जाने का मतलब राइडिंग फॉर्म का अगर डीटी है देन इट इज लिंक्ड टू सेकेंड हाउस। अगर वॉकिंग फॉर्म का डीटी है देन इट इज लिंक्ड टू सिक्स्थ हाउस। अगर क्रॉलिंग फॉर्म का जो पोस्चर है डीटी है तो वो दैट इज लिंक्ड टू टेंथ हाउस। ठीक है, देन आ गया हमारा काम त्रिकोण हाउसेस, थर्ड हाउस एंड इलेवेंथ हाउस सिटिंग, सेवेंथ हाउस डांसिंग फॉर्म। एंड जो मुख्य त्रिकोण हाउसेस है फोर्थ, एथ एंड ट्वेल्थ, दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्लीपिंग फॉर्म ऑफ ए डीटी। देखिए, अगर आप वैदिक रिमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी जो पंडित संजय रथ जी का है उनका वो बुक में देखेंगे जो लास्ट चैप्टर है अबाउट बाधक हाउसेस, वहां पर वो डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ डीटी के बारे में उनको वहां पर इलाबोरेटली है। देन अगर आपको इसके ऊपर ज्यादा एनालिसिस करना है देन डू रेफर दैट बुक, यू कैन एबल टू नो इट इन ए बेटर वे। ठीक है, एंड इसका यूजेस कहां पर है, जैसे कि हम बोलते हैं उपपाद लग्न फास्टिंग का। देखिए, उपपाद लग्न फास्टिंग का मैं हमेशा यही बोलता हूं, डू चूज ए डीटी ऑफ स्टैंडिंग फॉर्म। मान लीजिए किसी का उपपाद लग्न है कैंसर साइन एंड वहां पर आपका मर्क्यूरी है। ठीक है, तो आप अगर शादी नहीं हुआ है बिफोर द मैरिज, शादी के लिए आप अगर आप कर रहे हो देन यू नीड टू फास्ट ऑन मंडे एंड वर्शिप ए स्टैंडिंग फॉर्म ऑफ नारायण। तो स्टैंडिंग फॉर्म शोज न्यू बिगिनिंग, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेलिंग दैट यूज ए डीटी इन द स्टैंडिंग फॉर्म। ठीक है, अगर शादी हो गया है एंड शादी में डिस्टर्बेंसेस है देन दैट इज देन द सेकेंड हाउस फ्रॉम उपपाद लग्न नीड टू बी सीन। अगर मान लीजिए वहां पर जो डीटी है उनका राइडिंग फॉर्म आपको पूजा करना है, बिकॉज सेकेंड हाउस इज फॉर सस्टेनेंस, आप वो डीटी का राइडिंग फॉर्म को आपको यूज करना है। मान लीजिए अगेन वहां पर किसी का उपपाद लग्न का सेकेंड हाउस में मर्क्यूरी है देन ही हैज टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु ऑन गरुड़ा। गरुड़ा के ऊपर जो गरुड़ भगवान के ऊपर लॉर्ड विष्णु बैठ के जा रहे हैं उस तरह का फोटो रख के पूजा करने की जरूरत है। तो फ्रेंड, ये था डिफरेंट डीटी का जो पोस्चर एंड लिंक टू डिफरेंट हाउसेस। अगर आपको ये और उसके ऊपर एनालिसिस करना है देन डू फॉलो द बाधक चैप्टर ऑफ पंडित संजय रथ जी का जो बुक है वैदिक रिमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी, उसका जो बाधक चैप्टर है उसके ऊपर आप उसको जरूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स, दिस इज माय एनालिसिस ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीटी एंड चतुष्वर्ग ऑफ लाइफ। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।